मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में बाल कल्याण समिति की टीम ने पहुंचकर महिला अधिकारों एवं स्वावलंबी बनने की दी गई जानकारी। पीजी कॉलेज टीकमगढ़ एवं राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर की प्रभारी श्रीमती मंजू सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीजी कॉलेज की छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन कुंडेश्वर धाम के पास गणेशगंज माध्यमिक शाला परिसर में किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार की दोपहर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रीति सिंह परमार ने बालिकाओं के बीच पहुंचकर महिलाओं के विशेष अधिकारों की जानकारी साझा की। उन्होंने स्वयं सेवकों को संबोधित कर कहा कि समाज सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, इससे उन्हें न केवल पुण्य प्राप्त होगा अपितु समाज सेवा से छात्र छात्राओं के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आयोजित शिविर में अपराधों से संबंधित जानकारी के साथ उनके अधिकारों जैसे पॉक्सो एक्ट 2012, घरेलू हिंसा अधिनियम, हिंदू विवाह एक्ट के तहत भरण पोषण, बलात्कार, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न अधिनियम 1961 आदि में विधिक सुविधा कैसे प्राप्त करें, कहां कंप्लेन करें आदि के बारे में जानकारी दी। टीकमगढ़ से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट सुरेंद्र सिंह परमार। आज यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर पीजी कॉलेज का लगा हुआ था, जिसका आज चौथा दिन है और सात दिवसीय शिविर लगा हुआ है, जिसमें मैंने यहाँ पे आके बच्चियों को उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं, किस किस अधिकार और कौन कौन से कानून उन्हें जानना जरूरी है, वो सब मैंने उन्हें बताया। जैसे पॉक्सो के अंतर्गत कौन सी धाराओं के अंतर्गत वो किस तरीके से रेमेडी ले सकती हैं, कहाँ वो कंप्लेन कर सकती हैं, उन्हें किस तरीके से लीगल एडवाइस मिल सकती है, फिर इसी तरीके से अन्य धाराओं के बारे में, घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए और साथ में भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत वो किस तरीके से ले सकते हैं। साथ में ही इनको मैंने ये भी बताया कि एजुकेशन के बाद में और PNPCDT के तहत भी ये भ्रूण हत्या के बारे में और किस तरीके से ये आफ्टर प्रेगनेंसी हो 6 महीने का उनको लीव भी प्रदान होता है, तो यानी बच्चियों को जो जो चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। साथ में इनको चाइल्ड लाइन के बारे में नंबर दिया, हेल्पलाइन पुलिस का भी नंबर दिया, ये जो पुलिस का नंबर होता है बालिकाओं के बारे में, और साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से ये अपनी बात रख सकते हैं, इनको कब कौन अरेस्ट नहीं कर सकता है, ये अपनी बात साधारण तरीके से किसी अपने परिवार वाले की उपस्थिति में और आपके न्यायालय में बता सकते हैं, इनकी पहचान को बाहर उजागर नहीं किया जा सकता है और ये अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए, या वो चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे वो फेसबुक पे परेशान किया जाना हो या किसी के द्वारा ट्रॉल किया जाना, इन सभी बातों के बारे में इनको जानकारी। NSS के जो एक कैंप लगाया है 4 जनवरी से, तो ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना संघ है, इससे हमें देश वो सेवा की भावना और सारी जानकारी मिलती है। और जो आज मैम आई प्रीति सिंह परमार मैम, उनसे हम सब लोगों को विधि की जानकारी मिली है। कई बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती, कुछ बच्चे हैं जिन्हें होती है, लेकिन आज मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सब लोगों को ये जानकारी दी है, जिससे हम लोग बाद में इसका लाभ भी ले सकते हैं। जी आप